तो 20 अभी स्टूडेंट जो सीयूईटी के रिजल्ट के बाद वेट कर रहे थे राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जी हाँ, राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, पीछे देख ही पा रहे होंगे इनकी वेबसाइट, इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है ओपन कर दी है। कैसे क्या हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, क्या प्रक्रिया होने वाली, तो मैं यहाँ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक यह जानकारी पहुँच जाए। और भैया हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे ताकि सारी अपडेट्स आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्या है भैया, CU यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी rajasthan.ac.in। ये देख रहे होगे, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं फिर से ओपन करके ही आपको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे गूगल पे ऊपर डालेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्टल यही खुलेगा, है ना। पहली वेबसाइट जो दिख रही है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान curaj.ac.in, इसमें आपको डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्क्रोल नीचे करोगे तो ये दिख जाएगा एडमिशन 24-25 आपको, है ना। इस पर क्लिक करो, है ना। ये जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, होगा ना ओपन, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है भैया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब अपन क्या करेंगे, एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है, क्या कैसी एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ओपन हो जाए, थोड़ा सा नेट स्लो है क्योंकि बारिश हो रही है, तो ये देखो नीचे ही आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस दिख जाएंगे, दिख रहे हैं, यहाँ पूरा ऑप्शन दिख रहा है। नीचे आपको जाना है, चूंकि यूजी एडमिशन हमें करने हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो यूजी एडमिशन पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको दिख रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑफ यूजी प्रोग्राम। अच्छा, ये कौन कौन से यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये प्रोवाइड करा रहे हैं बीएससी ऑनर्स 4 ईयर का कोर्स, इसके अलावा रिसर्च, बीएससी, बीएड, आईटीईपी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब चूंकि है क्या कि हमारा रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, तो हम रजिस्टर करेंगे खुद को। कैसे करेंगे रजिस्टर, आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी विंडो फिर से नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भैया यहाँ पे आपकी जो डिटेल आप भरने वाले हैं उसमें अपना जो नाम लिखेंगे या जो बाकी की डिटेल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो क्लास 10th बोर्ड की मार्कशीट पे लिखे हुए हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आप लिखेंगे, जो 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा है ना, सेम वैसे ही लिखना है, गलती नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का ही प्रयोग करना है ताकि वहां सारी प्रक्रियाओं की आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद जो आपकी ईमेल है वो एक्टिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लेटेस्ट वर्जन जो है गूगल क्रोम का, उस पर ये फॉर्म ओपन करेंगे तो अच्छा चलेगा, है ना। बाकी में चल तो सकता है लेकिन उनकी गारंटी नहीं दी है ना, लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो बेहतर चलेगा। अब क्या करना है यहाँ पे, ये देखो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में CUET एप्लीकेशन नंबर अपना भर देना है, जो CUET का नंबर था ना एप्लीकेशन वाला, वो भर देना है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भर देना है, और यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर कैप्चा आपको फिल कर देना है। जैसे ही कैप्चा फिल करोगे आपको रजिस्टर पे करना है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब रजिस्टर की आगे की प्रक्रिया होगी, उसमें यूजर नेम पासवर्ड आपका बन जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, है ना, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें फिल कर, क्या क्या फिल करना है, तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसके अलावा आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा पिक और सिग्नेचर लगने वाले हैं आपके वो होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा, तो पूरी प्रक्रिया को आपको देख के समझ के ही क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। और भी कुछ डाउट लग रहे हैं तो नीचे लिंक आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल करके आप बिल्कुल हमारी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं ताकि कोई समस्या आपको ना आए। बाकी भाई इस वीडियो में फिलहाल ये अपडेट ही इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड